ये रेंच इफेक्ट बड़ा मज़े का इफेक्ट है, मेरा मतलब काफ़ी कारामद इफेक्ट है। ये हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए और इस एलिप्स में भी कलर कर देते हैं। ये भी फुल कलर है, अभी लेंस देंगे तो ये थोड़ा हल्का बढ़ जाएगा। ये देखिए लेंस शो कर रहा है कि एज अ ग्लास, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको ओपेसिटी ज़्यादा कर रहे हैं, फुल कर दी। ऑब्जेक्ट ओनली, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर शो करेगा, उसके बगैर शो नहीं करेगा। स्नैपशॉट ले लिया हमने और जो ट्रांसपेरेंट था वो वैसे ही रहेगा। लेंस स्नैपशॉट चेक ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि लेंस अच्छी तरह सामने आ जाए। ये देखें एमएक्स बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सर्कल के ऊपर लेंस मैग्नीफाई अप्लाई किया हुआ है। ये मैग्नीफिकेशन आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा कम कर सकते हैं। ये स्नैप शॉट दिया और एमएक्स इसी के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ख़त्म। इसकी डुप्लीकेट बनाई अल्टर दबा के, ये अगेन डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये इनमें भी कलर कर देते हैं। वाइट कलर कर दिया। अब इन सब पे नहीं, पहले भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इन्वर्ट, वाओ, इन पे भी अप्लाई कर देते हैं। इस पे लाइटन का इफेक्ट अप्लाई किया। इसकी कॉपी की, इस पे डार्कन अप्लाई करके देखते हैं।